मध्य प्रदेश के गुना जिले में चाचौड़ा और बीनागंज दोनों नगरों में रामलीला का आयोजन प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी किया जा रहा है। स्थानीय विधायक लक्ष्मण सिंह ने रामलीला में पहुंचकर भगवान की आरती की। रामलीला समिति के पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय विधायक का पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि दोनों ही नगरों में काफ़ी प्राचीन समय से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज इंटरनेट के ज़माने में भी रामलीला लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आसपास के क्षेत्रों से लोग रामलीला देखने आते हैं। चाचौड़ा से अमित चौरसिया की रिपोर्ट। रामलीला मंडल को मुझे पता नहीं दे सकते कि दे सकते, पता कर लूँगा मैं, क्योंकि नियम है कि धार्मिक आयोजन में विधायक निधि नहीं देती है। अगर नहीं भी दे पाते हो फिर भी हम लोग चंदा करके कुछ ना कुछ रामलीला इतना कर पाएंगे। इसमें हाथ लगाने की स्थिति में नहीं, लेकिन जरूर अच्छा एक पर्याप्त राशि आप सबको। श्री रामचंद्र भगवान की जय। इंटरनेट के ज़माने में 139 साल से चली आ रही रामलीला को चाचौड़ा बीनागंज वासियों ने कायम रखा है, क्या कहेंगे सर? इंटरनेट वालों को आके यहाँ देखना चाहिए रामलीला और सीख लेना चाहिए जी। और मैं बधाई देता हूँ और मैं कृतज्ञ हूँ और मैं भाव विभोर हूँ इस आयोजन का। यहाँ जो होता है चाचौड़ा में होता है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी है, बहुत धन्यवाद उनको देते हैं हम, जो वर्षों से इस परंपरा को चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहे। सर आप सम्मानीय हैं, पिछली बार भी आप आए थे जब जनता के साथ नीचे बैठे हैं और आज भी इस बार हम तो जनता के साथ ही हैं। जनता ही है, हम भी जनता हैं। विधायक बनने से कोई सुपरमैन नहीं बन जाता, तो हम भी जनता हैं और जनता ने हमें चुना है उनकी आवाज़ उठाने के लिए। प्रभु श्री राम की कृपा सब पर बनी रहे, प्रभु श्री राम हमारे चाचौड़ा को जिला जल्दी बनाए, मुख्यमंत्री अपना वचन जल्दी पूरा करें, यहाँ आके हम जल्दी उसको शुरुआत करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।